हेलो, वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूं अभिलाषा। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फुलफिलिंग चाइनीज रेसिपी, वेज मंचूरियन। मंचूरियन बहुत ही खट्टा, मीठा, तीखा, फ्लेवरफुल होता है। तो आइए बनाते हैं मंचूरियन बॉल्स। जब तक तेल गरम हो रहा है, हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज, गाजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, इसमें जाएगी थोड़ी सी शिमला मिर्च और पत्ता प्याज। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा लहसुन और नमक, इसे करेंगे मिक्स। अब इसे बाइंड करने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। ध्यान रहे, हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि सब्जियों में अपना मॉइस्चर होता है, ये उसी से सन जाएगा। हमारा मिक्सचर बन चुका है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा कॉर्नस्टार्च या मैदा और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके बॉल्स बनाकर फ्राई कर लेंगे। कोशिश करिए कि बॉल की साइजेस इक्वल रहें। हमारे मंचूरियन बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट पे ड्रेन करेंगे। सारे मंचूरियन बॉल्स बन चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तेल लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्चें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। दो टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ी सी चीनी, नमक। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चुटकी अजीनोमोटो या MSG। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जब तक हमारी सॉस सिमर हो रही है, तब तक हम बना लेते हैं कॉर्नफ्लावर का एक घोल या स्लरी। मैं इसमें ले रही हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी। ये घोल हमारे सॉस को गाढ़ा बनाएगा। इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। बस एक उबाल आते ही हम इसमें अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। उबाल आ गया है, इसमें मैं बॉल्स डाल देती हूँ। हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ग्रेवी अब गाढ़ी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सेलरी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और हमारा ग्रेवी मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। हमारे सॉफ्ट एंड डिलिशियस वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। बनाइए और बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, और देखते रहिए स्वाद अनुसार।